अगली खबर में बात करते हैं कानपुर की, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भट्टो द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा पार्टी कार्यालय से जिला मुख्यालय तक विरोध मोर्चा निकाला गया एवं पुतला फूंका गया। इस विरोध मोर्चे में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान सहित भाजपा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाल कर जिला मुख्यालय के सामने पुतला फूंका। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा, पाकिस्तान की खस्ता हाल है, वहां लोकतंत्र का दिखावा है। सही शब्दों में इस देश का नाम आतंकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भट्टो भारत के प्रभाव भली बात जानते हैं। भारत की सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को सबक सिखाया है, जिसके कारण गलत बयानबाजी पर उतर आए हैं। अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी गलती का सुधार नहीं किया, जल्द ही उनको परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पार्टी के तत्वाधान में एक विरोध मार्च निकाला गया, जो पार्टी मुख्यालय से चल करके और जिला मुख्यालय तक हम लोग पहुंचे हैं। यहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पुतले को फूंकने का काम करेंगे और इस विरोध मार्च और पुतला दहन के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पूर्व जिलाध्यक्षगण, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्री आदरणी राकेश जी, हमारे सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के जिले के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे मोर्चों के सम्मानित जिलाध्यक्षगण, सम्मानित मंडल अध्यक्ष, कानपुर देहात जनपद के कोने कोने से पधारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता मित्रों, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी बहनें, भाई और बहनों, पाकिस्तान शायद यह भूल गया है कि जिस पाकिस्तान का आज अस्तित्व दुनिया के नक्शे पर है, वह पाकिस्तान भारत से ही पैदा हुआ है। उसे यह भूलना नहीं चाहिए कि बाप हमेशा बाप होता है। अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिमंडल के किसी मंत्री ने भारत की तरफ आंख उठाने का भी दुस्साहस किया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुस करके रावलपिंडी और जाकर के पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडा फहरा। मंत्री के बयान की निंदा करते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंकते हैं और अगर यह दोबारा दुस्साहस किया तो हमारी सेना सहित एक एक भारतीय उनको मुंह तोड़ और कड़ा जवाब देने का काम करेगा। आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित सभी कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने इस विरोध मार्च में सम्मिलित होकर के उत्तर प्रदेश सहित कानपुर देहात से यह संदेश देने का काम पूरे देश और दुनिया को किया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सजग है और जागरूक प्रहरी की भूमिका का निर्वाह कर रहा है और हमने इस पूरे बयान को बड़ी गंभीरता से लिया है और इसकी निंदा करते हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ भारत माता की जय के उद्घोष के साथ पाकिस्तान का आज हम पुतला दहन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में आप सब पधारे, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ।